हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी फ्रॉम द किचन। तो आज हम बनाएंगे मैक्सिकन राइस। ये एक वन पॉट डिश है। इसके बहुत सारे अच्छे फ्लेवर्स हैं और इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी पड़ते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए मैक्सिकन राइस बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। उससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो इस मजेदार और टेस्टी मैक्सिकन राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम टोमेटो का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 टोमेटो लिया था, उसे मैंने अच्छे से बॉइल किया है और उसका पील निकाल दिया हमने। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारा टोमेटो का पेस्ट रेडी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा तेल, दो टीस्पून बराबर हम उसमें बटर डाल देंगे। और जैसे ही हमारा तेल और बटर थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम उसमें डालेंगे 10 बारीक कटे हुए लहसुन की कलियां और 3 बारीक कटे हुए प्याज। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसे पकाएंगे। और ये हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे राइस। तो ये मैंने बासमती टुकड़ा लिया है, इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और 15 से 20 मिनट तक इसे मैंने सोक। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम बाकी स्पाइसेस के साथ ताकि हमारे राइस को अच्छे से एक फ्लेवर मिल जाए। 2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। और ये 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा राइस अच्छे से मिल चुका है बाकी मसालों के साथ और इसका एक बढ़िया सा कलर भी दिख रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ गाजर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। यहाँ मैंने हरा वटाना डाला है थोड़ा सा और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो का पेस्ट जो हमने पहले रेडी करके रखा था। अच्छे से इसे मिक्स कर दें। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून ओरिगैनो और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ अब हम इसे 4 कप पानी डालेंगे। इसमें मैंने 2 कप राइस लिया था तो उसका डबल हम डालेंगे पानी। और पानी बॉईल होने तक का हमें इसे हाई फ्लेम पे रखना है। जैसे ही हमारा पानी बॉईल हो जाए, गैस का फ्लेम हम लो करेंगे और इसे ढक कर 20 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। और ये 20 मिनट बाद हमारा चावल का पानी एकदम सूख चुका है और ये चावल भी हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं दिखने में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया से गार्निश कर लेंगे।
और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इसे अब मैं एक प्लेट में सर्व कर लूंगी। आप ये देख सकते हैं हमारा मैक राइस एकदम तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।